शिकार करे वो शेर नहीं ठग होता है, और अगर दुश्मन तगड़ा हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत कमाल की मूवी के बारे में, बॉलीवुड की मूवी। मैं कहता हूँ किसी दौर में वो बहुत हिट मूवी रही है, सन ऑफ सरदार 2 मूवी के बारे में। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट भी आ रहे थे, बहुत से फैन और अजय के और सनी देओल के, संजय दत्त के फैन चाह रहे थे कि यार हमको बॉलीवुड की मूवी सन ऑफ सरदार 2 देखने को मिले। सो इस बात को हम आप दिल थाम के बैठे हैं, हमको जल्द से जल्द सन ऑफ सरदार 2 देखने को मिलने वाली है। सो पीछे तो थोड़ा सा शोर होगा, आप लोगों ने बैकग्राउंड भी थोड़ा सा इग्नोर करना है अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ है जहाँ हमारा जगाड़ लगता है, हम वीडियो बना लेते हैं। सो अगर हम इसके साथ साथ बात करें, जैसे आप लोगों ने सन ऑफ सरदार में मूवी देखी, बहुत कमाल की मूवी थी। संजय दत्त के घर में जब कोई मेहमान आता था वो बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करते थे। जब भी कोई मेहमान से कोई दुश्मनी होती थी वो घर आ जाता था उसकी रिस्पेक्ट करते थे, बाहर जाकर उसको फोड़ डालते थे। सो अगर इसी जैसे वो मूवी की स्टोरी थी, इसी तरह सन ऑफ सरदार 2 पक्की बात है इससे ही रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा किसी ना किसी मूवीज़ की कॉपी करता है, ये आप लोगों को पता होगा। या बॉलीवुड हिंदी मूवी की कॉपी करता है या हिंदी मूवी बॉलीवुड की कॉपी करता है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि फिल्म स्टार या कुछ हिंदी मूवी में से, साउथ मूवी में से कोई है ना, वो बॉलीवुड से, मैं कहता हूँ कमाल की मूवीज़ होती बॉलीवुड की। अगर कि दुनिया में मैं कहता हूँ कि मार्वल्स हर चीज़ से ज़्यादा, मार्वल्स बहुत फर्स्ट क्लास है, मैं ये नहीं कहता, वो ठीक नहीं है, उनका अपने तौर पे लेवल है, लेकिन इनका यार अपने तौर पे लेवल है, बहुत कमाल की बॉलीवुड की मूवी होती है। सो इसी तरह सन ऑफ सरदार 2 हमको जल्द से जल्द 1-2 सालों के दौरान देखने को मिलने वाली है, बहुत हिट होने वाली है। जैसे वो अपने ज़माने में बहुत हिट मूवी थी सन सरदार 2, इसी तरह ये भी अपने ज़माने में एक हिट मूवी साबित होने वाली है। इस मूवी में वही हमको, लेकिन इस मूवी में हमको थोड़ी सी तब्दीली की नज़र आएगी। हमको सन ऑफ सरदार में सनी देओल इस मूवी हमको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इस मूवी में भी हो सकता है कि जो सनी देओल हो हम वो विलन का रोल करेंगे, जैसे मर्जी हो जाए। ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है यार, सनी देओल की यार इतनी बेहतर शायद उसको विलन बना दिया है। खैर फिर भी जब ये मूवी जाएगी हम तो फिर ही देखेंगे ना कैसी है, बहुत कमाल की मूवी होने वाली है और बहुत ही हिट मूवी होने वाली है, बेशक आप लोग भी देख लेना। पर चलिए करो सब, आप लोग मालूम चलो कमेंट में जो बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।